नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 0112397804। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। बोलेरो का सफर शुरू हुआ था 4 अगस्त सन 2000 को, जो लगभग 20 सालों के बाद आज भी जारी है। बोलेरो महिंद्रा की और इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक है, और इसमें भी महिंद्रा की हर गाड़ी की तरह उनका रफ एंड टफ एंड रगेड डीएनए शामिल है। बोलेरो की हिस्ट्री पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आप सभी को बता दूं कि हाल ही में महिंद्रा ने बिना किसी शोर शराबा किए, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया मीटअप के अलावा, बिना किसी लॉन्च इवेंट के जैसे वो हमेशा रखते थे, उसके अलावा इस कोरोना के चलते एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बोलेरो BS6 को लॉन्च किया है। इस नई बोलेरो में आपको एक नया BS6 इंजन मिलेगा। एक्सटीरियर में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, उसके अलावा इंटीरियर सेफ्टी फीचर्स में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, नई प्राइसिंग क्या है। पुरानी वाली बोलेरो में आपको 4 वेरिएंट के साथ में 4 कलर्स आते थे, लेकिन अब नई वाली बोलेरो में आपको केवल 3 वेरिएंट्स और 3 कलर्स ही मिलेंगे। बोलेरो की इस नई फेसलिफ्ट पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम केवल नई बोलेरो और पुरानी वाली बोलेरो को कंपेयर करने वाले हैं। उसके अलावा अगर आपके जहन में भी कुछ सवाल हैं, जैसे कि नए बोलेरो का इंजन पुराने इंजन से बेहतर है या नहीं, एज़ पर न्यू प्राइसिंग, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, इस नए फेसलिफ्ट के साथ क्या आपको लगता है बोलेरो अब पूरी तरीके से मॉडर्न एज और अप मार्केट अपडेटेड हो गई है, या फिर आपको ये आज भी आउटडेटेड लगती है, जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राइसिंग से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पुरानी बोलेरो आपको मिल जाती थी लगभग 7,61,000 रुपीज से शुरू होकर 8,78,000 रुपीज तक। वहीं आज की बोलेरो एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से बेस मॉडल शुरू होता है 7,76,500 रुपीज से, जो कि पुरानी बोलेरो से लगभग 15,500 रुपये महंगा है, जबकि टॉप वेरिएंट आज भी आपको 8,78,000 रुपीज तक ही मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्राइसेस मैंने कोट किए हैं वो सारे के सारे एक शोरूम कॉस्ट मुंबई हैं। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं एक्सटीरियर में किए गए बदलावों के बारे में। तो जैसे कि आप फ्रंट प्रोफाइल को देखते हैं तो सबसे बड़ा बदलाव आपको नज़र आता है इसके बम्पर में। नई बोलेरो में आपको एक शेप डिज़ाइन वाला नया बम्पर मिलता है, साथ में नीचे पुराने वाली बोलेरो की तरह ही इसमें भी स्किड प्लेट की डिज़ाइन मिलती है, लेकिन एक्चुअल स्किड प्लेट इसमें नहीं मिलती। पुराने वाली बोलेरो में आपको केवल फॉग लैंप लगाने के लिए प्रावधान दिया गया था, लेकिन नई वाली में आपको फॉग लैंप मिलते हैं नई ब्लैक असेंबली के साथ में। नई बोलेरो में हेडलैम्प के डिज़ाइन को भी चेंज किया गया है, लेकिन आज के मॉडर्न एज में भी आपको केवल हैलोजन हेडलैम्प ही मिलते हैं। इसमें किसी भी तरीके से आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं दिए गए हैं। इस बोलेरो में हेडलैम्प के साथ एक क्रोम स्ट्रिप भी दी गई है, जो कि DRLs की तरह नज़र आती है, लेकिन इसमें एक्चुअल DRLs नहीं मिलते। नई बोलेरो में फ्रंट ग्रिल को भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो कुल मिलाकर फ्रंट प्रोफाइल में इतने ही बदलाव किए गए हैं, मुझे तो ये आज भी आउटडेटेड ही लगती है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि अब इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प, DRL, स्किड प्लेट जैसे फीचर्स को दे देना चाहिए था, क्योंकि आज की रेट में इससे सस्ती गाड़ियों में ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब मुड़ते हैं आगे और बात करते हैं इंजन के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पुरानी और नई दोनों ही बोलेरो में आपको 1.5 लीटर 3 सिलेंडर
टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है, लेकिन पुरानी बोलेरो में आपको केवल 70 bhp की पावर मिलती थी, नई वाली बोलेरो में आपको 75 bhp की पावर मिलती है 3600 rpm पर। वही पुरानी वाली बोलेरो में आपको केवल 190 nm का टॉर्क मिलता था 1400 से लेकर 2200 rpm पर। वहीं नई वाली में आपको 210 nm का टॉर्क मिलता है 1600 से लेकर 2200 rpm पर। जहां तक माइलेज की बात है, पुरानी बोलेरो में आपको मिलता था 16.5 kmpl का माइलेज, और मुझे उम्मीद है कि आज की नई वाली बोलेरो में भी आपको यही माइलेज क्लेम किया जाएगा 16.5 kmpl का। चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में। साइड प्रोफाइल में आज भी आपको व्हील कैप के साथ में 15 इंच के ही टायर्स मिलते हैं। आज भी इसमें आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। बेस वेरिएंट में ब्लैक और टॉप वेरिएंट में बॉडी कलर ORVMs मिलते हैं, लेकिन आज भी इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ऑटो फोल्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर देखने को नहीं मिलते। आज भी साइड प्रोफाइल में बॉडी पर आपको पहले की तरह ही ब्लैक क्लैडिंग मिल जाती है। साइड प्रोफाइल में नए ग्राफिक्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा डोर हैंडल से लेकर ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर तक और डायमेंशंस में आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रियर यानी कि बैक प्रोफाइल में भी आपको टेल लैंप के अलावा कोई भी नई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। टेल लैंप के अंदरूनी डिज़ाइन को अब बदल दिया गया है। ओवरऑल अगर हम बोलेरो के फुल बॉडी डिज़ाइन को देखें तो अभी भी सेम ही नज़र आता है, कोई भी बड़ा बदलाव इसमें नज़र नहीं आता। एक नज़रिए से अगर देखा जाए तो आज भी ये पुरानी जैसी ही दिखती है। ये भी एक वजह है जिस कारण मुझे ये अभी भी आउटडेटेड लगती है। क्या आपको नहीं लगता कि अब इसमें बेहतर डोर हैंडल्स, अलॉय व्हील्स और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ऑटो फोल्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर मिलने चाहिए, जो कि इसी सस्ती गाड़ियों में मिल जाते हैं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। अब बात करते हैं इंटीरियर के बारे में, तो इसमें भी आपको कोई बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। वही सेम डैशबोर्ड मिलता है, लेकिन अब इसमें आपको नई स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाती है। बोलेरो में आज भी आपको MP3 प्लेयर ही मिलता है और किसी भी प्रकार से कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको नहीं मिलते हैं। सेफ्टी के तौर पर आज भी आपको केवल ड्राइवर एयरबैग और ABS ही मिलता है। इसके अलावा अगर आपको EBD और ब्रेक असिस्ट भी इसके साथ मिल जाता अलॉन्ग विद ड्यूअल एयरबैग तो अलग ही मज़ा आ जाता। जहाँ तक सीट अपहोल्स्ट्री की बात करते हैं, आज भी आपको केवल फैब्रिक सीट्स ही मिलते हैं। किसी भी तरीके से आपको लेदर सीट्स या कोई भी लेदर सीट अपहोल्स्ट्री का ऑप्शन नहीं मिलता। हालांकि फैब्रिक के डिज़ाइन को बदल दिया गया है, इनसाइड डोर के जो हैंडल्स हैं उनको भी बदल दिया गया है, उनका डिज़ाइन भी चेंज कर दिया गया है, और अब इन पर आपको इंडिविजुअल पावर विंडो के स्विचेस मिल जाते हैं। इसी के साथ कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको माइक्रो हाइब्रिड, सेंट्रल लॉकिंग, कीलेस एंट्री, 12V चार्जिंग पॉइंट, न्यू फ्लिप की जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, तो अगर आप इसे लोकल ट्रांसपोर्ट में टैक्सी की तरह यूज़ करने वाले हैं तो आपको बेस वेरिएंट B4 खरीदना चाहिए, और अगर आप इसका थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि फैमिली के लिए, लिमिटेड एंड क्वालिटी टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए, या फिर NRIs को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, तो आपको टॉप वेरिएंट खरीदना चाहिए। आपको क्या लगता है कि नई बोलेरो अपडेटेड है? जबकि आज भी इसमें टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, लेदर सीट अपहोल्स्ट्री नहीं मिलती, EBD और ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलते। आज भी इसमें आपको केवल 3-सिलेंडर इंजन मिलता है, क्या इसमें 4-सिलेंडर इंजन नहीं मिलना चाहिए? मुझे तो ये आज भी काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड लगती है। आपकी राय, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।